Hello everyone, welcome to DJ School of JCRT Jharkhand. My name is Mohammed Ijazullah and today we will read a story from English textbook Sunrise for class 2. The name of the story is Madhu and the Snake. Who looks after your family? आपके परिवार की कौन देखभाल करता है? What do you do for your family? आप अपने परिवार के लिए क्या करते हैं? What do other family members do for the family? आपके परिवार के दूसरे सदस्य आपके परिवार के लिए क्या करते हैं? आप जानते हैं ना कि आप हर इंसान हर हमारे फैमिली में माता पिता दादा दादी नाना नानी बहुत सारे लोग रहते हैं अंकल्स, तो सभी कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए करते हैं. आप भी अपने परिवार के लिए कुछ करते होंगे, हेल्पिंग एट होम होता होगा, घर में लोगों की मदद करते होंगे आप. तो आइए देखते हैं कि लेट्स सी What Madhu do for her family? Madhu एक लड़की है, वो अपने परिवार के लिए क्या करती है? The snake. Madhu and her family lived in a village. Madhu और उसका परिवार रहता था एक गांव में. Madhu was studying in class 2. Madhu दूसरे कक्षा में पढ़ रही थी. One Sunday she went to the field. एक रविवार वो गई खेत पर. Her father was working there. उसके पिता वहां काम कर रहे थे. हर मदर वॉज हेल्पिंग हिम. उसकी माता उनकी मदद कर रही थी. राजू हर यंगर ब्रदर वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री. राजू उसका छोटा भाई एक पेड़ के नीचे बैठा था. हर ग्रैंडफादर वॉज ऑल्सो वर्किंग देयर. उसके दादा भी वहां काम कर रहे थे. ही वॉज मेकिंग अ बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स. वो बना रहे थे एक टोकरी बैम्बू स्टिक्स से. यहां कुछ टफ वर्ड्स हैं, उनको देख लीजिए. बास्केट कहते हैं टोकरी को, बैम्बू बांस, स्टिक्स कहते हैं लकड़ी. इसको हम लोग कहते हैं बैम्बू स्टिक्स, बांस की बत्ती. फील्ड खेत. स्नेक सांप को कहते हैं. विलेज गांव. स्टडिंग पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था या अध्ययन कर रही थी. संडे रविवार को कहते हैं. इस प्रकार हमने देखा कि पहले जो पैराग्राफ है उसमें ये बात आई है कि मधु अपने परिवार के साथ रहती है, उसके माता पिता किसान हैं, दादा भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, वो टोकरी बुन रहे हैं. और मधु एक संडे को जब इसका स्कूल बंद होता है तो अपने भाई को लेकर के वहाँ पर बैठी है. वो अपने पिता अपने दादा की मदद कर रही है. मधु बिगेन टू हेल्प हिम. मधु उनकी मदद करने लगी. हर ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम हर टू ब्रिंग सम बैम्बू स्टिक्स. उसके दादाजी ने उसे कुछ बैम्बू स्टिक्स बांस की छड़ियाँ या बांस की बाती लाने को कहा. सडनली मधु सॉ अ स्नेक. अचानक मधु ने देखा एक सांप. इट वॉज अंडर द बैम्बू स्टिक्स. ये बैम्बू स्टिक्स के बैम्बू की जो छड़ियाँ रखी थी उसके नीचे था. द स्नेक वॉज क्रॉलिंग टुवर्ड्स राजू. स्नेक सांप राजू की तरफ रेंग रहा था, क्रॉल रेंग रहा था. मधु पिक्ड अप अ बैम्बू स्टिक. मधु ने एक बैम्बू स्टिक उठाया. द स्नेक सॉ मधु. सांप ने मधु को देखा. इट रेज इट्स हुड एंड हिस्ड. इसने अपना फन उठाया और हिस किया. सांप की जो फुफकार मारने की आवाज आती है उसने किया. मधु वॉज अ ब्रेव गर्ल. मधु एक एक, एक बहादुर लड़की थी. यहाँ बिगेन मीन्स शुरू किया. ग्रैंडफादर मीन्स दादा. बैम्बू स्टिक्स बताया ही आपने. सडनली मीन्स अचानक. अचानक अंडर नीचे बैम्बू स्टिक्स. द स्नेक वॉज क्रॉलिंग. रेंग रहा था. रेंग रहा था. पिक्ड अप उठाया चुना बैम्बू स्टिक. द स्नेक सॉ मधु.
ने देखा मधु को, इट रेज्ड इट्स हुड, इसने अपने फन को उठाया, और ये सांप की जो आवाज है फुफका मारने की आवाज, इस कहते हैं उसको। एंड मधु वाज अ ब्रेव गर्ल, बहादुर लड़की थी, साहसी लड़की थी। अब इसके बाद क्या होता है देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। शी वॉज नॉट एफ्रेड ऑफ द स्नेक, उसे सांप का खौफ नहीं था। She hit the ground with a stick. उसने ग्राउंड को जमीन पे छड़ी मारी। The snake ran away into a hole. सांप एक बिल में घुस गया। By that time her grandmother also came there. उस समय तक उसकी दादी भी वहां आ गई। She brought lunch for them. वो लाई थी दिन का खाना उन लोगों के लिए। She had brought some laddus also. वो कुछ लड्डू भी लेके आई थी। ऑल प्रेज्ड मधु फॉर हर ब्रेवरी, सबों ने मधु की तारीफ की उसकी साहसता पूर्वक काज के लिए, उसकी हिम्मत के लिए सबों ने उसकी तारीफ की। अफ्रेड मींस खौफ खाना। हिट मारना, हिट मींस मारा, हिट 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 ग्राउंड जमीन। रहने में भाग गया। होल बिल को कहते हैं, सुराख को। ग्रैंड मदर दादी, लंच दिन के खाने को कहते हैं। ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट लाई, तारीफ किया लोगों ने। ब्रेवरी हिम्मत। इस प्रकार हम देखते हैं कि मधु एंड द स्नेक में मधु एक नाम की एक लड़की होती है जो सांप उसके भाई के करीब पहुंच ही जाता है, और मधु ने बिना डरे हुए और जमीन पे छड़ी मार करके अपने भाई को सांप के को उसके भाई तक पहुंचने नहीं दिया, और उसने हिम्मत से काम लिया। इस प्रकार बच्चे आप भी जो है हिम्मत से काम लें। ऐसे मौके पे इंसान को डरना नहीं चाहिए बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए, और अपने जो अभिभावक हैं, अपने जो बड़े हैं, उनको इसकी सूचना जल्द देनी चाहिए। धन्यवाद।